कभी न टूटेगा। देखो किसी अणु का कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेक होना फ्यूजन ऑफ बॉन्ड कहलाएगा। किसी अणु का, चलो बोलो पवन देव, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है? खूब पढ़े हो कोवेलेंट बॉन्ड, सोच लो सब सबको बाद पूछेंगे कोवेलेंट बॉन्ड का। देखो ये आवाज कहाँ से लाया? किसी अणु का कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेक होना क्या कहलाएगा? फ्यूजन ऑफ बॉन्ड कहलाएगा। किसी अणु का कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेक होना फ्यूजन ऑफ बॉन्ड कहलाता है। कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंधन का जब निर्माण होगा दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से होती है, दोस्ती यारी से होती है, उस कंडीशन में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो बंधन ऑफ बॉन्ड्स उसी को जब ब्रेक करेंगे तो उसी को कहते हैं फ्यूजन ऑफ बॉन्ड, यानी कोवेलेंट बॉन्ड का किसी अणु के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे उसका टूटना ही फ्यूजन ऑफ बॉन्ड बंधन का टूटना कहलाती है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होमोलाइटिक फ्यूजन, होमोलाइटिक समविखंडन, होमोलाइटिक फ्यूजन सम विखंडन, जब फ्यूजन ऑफ बॉन्ड समान रूप से होता है, एक चीज देखिए जब आदमी का उम्र कम रहता है करीब 15 साल से कम, काम करता है जल्दी थकता नहीं है, आज जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा तो काम करने के बाद थक जाता है, जैसे बच्चा सब खो काम कर नहीं थकता, हम लोग करेंगे थक जाते हैं काम, ये बात मेंशन किए हो, उस समय आदमी के पास ज्यादा एनर्जी है, एनर्जी तुम्हारा लुटते जाएगा, लोग उस जगह के आगा जाएंगे तो ताकतवर ऐसा हकीकत में होता नहीं है, शारीरिक रूप से ताकतवर होगा लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा कैपेसिटी धीरे धीरे घट जाता है, ये बात देखते हो बचपन में कितना दौड़ता होगा, अब दौड़ देखा जितना अब नहीं अब नहीं होगा हमसे, 5 मिनट तो दौड़ नहीं पाते, दौड़ नहीं पाते हो, सोचो पहले बच्चे रहने में फायदा था ना, जैसे टेंशन फ्री इसका बैठ के खाते सुतल लेते हैं भर में, पढ़ने में मन नहीं था तब ऐसा कुछ ट्रेंड होता फिर बच्चा बन जाते, फिल्म सब फिल्म होता है खाली, हकीकत में ऐसा नहीं होता है, वही जादुई फिल्म वाला। और एक जान लो स्पेस में एक ऐसा जगह भी है जहाँ आदमी का लाइफ बढ़ता ही नहीं है, लगता होगा संभव थी लेकिन है ऐसा, नाम में है याद हमको लेकिन कभी बताएंगे, ज्यादा दिन जी सकते हो। जब फ्यूजन ऑफ बॉन्ड समान रूप से होता है उसे क्या बोलेंगे? होमोलाइटिक फ्यूजन। जैसे मान लो ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड्स हैं, इसका होगा होमोलाइटिक फ्यूजन, क्या होगा इसका? होमोलाइटिक फ्यूजन। तो टूटेंगे तो जितना सधाकी होंगे लेकिन उतने ही अलग 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 मतलब होंगे, वही टूट कर अलग होंगे ना, तो एक इस पर होंगे एक इस पर होंगे, ए भी लिया और यही देखा गया क्लोरीन क्लोरीन के बीच में फ्यूजन बॉन्ड होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, यानी कि बराबर इलेक्ट्रॉन दोनों पर है ना, इसीलिए कहते हो सम विखंडन, फ्यूजन बॉन्ड क्या हो? समान होता है, यहाँ भी एक यहाँ भी एक, इसी को कह देते हो होमोलाइटिक फ्यूजन, है ना, यही हो गए हैं होमोलाइटिक फ्यूजन। ये हेटरोलाइटिक फ्यूजन है, अच्छा यहाँ के बारे में बताएंगे, यहाँ होमोलाइटिक फ्यूजन ठीक है। अब है 2 नंबर में हेटरोलाइटिक फ्यूजन, कौन कौन गुरुत्वाकर्षण कंपटीशन में ठीक बना रहा है क्वेश्चन बताओ तो, कौन कौन बना रहे हो? तुम बनाता है कोई? तुम बनाते हो? बनाना चाहिए ना, तब कैसे निकालेगा पॉलिटेक्निक? इस बार नहीं निकालेंगे, अच्छा अगले बार निकालेगा अगला बार पंडित जी से दिखवा लेना जतरा, देखिए तो कौन मुहूर्त में तैयारी करेंगे, गुरुत्वाकर्षण कौन मुहूर्त पढ़ेंगे, तब तक चलेगा पता कि नील बटे सन्नाटा हो गया, मतलब गुरुत्वा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, खाली हाँ पढ़े थे टॉपिक कुछ था, कुछ याद नहीं है, समझ जाएगा ना, तो फायदा होता यदि तू अभी बना लेता तो, क्योंकि आज ने कल तो तुम्हीं को पढ़ना है, आज पढ़ो कि कल पढ़ो। हेटरोलाइटिक फ्यूजन विषम विखंडन,
जब फिदन ऑफ बॉन्ड असमान रूप से होगा, जब ऐसा नहीं लेट हो जाएगा तुम्हारा चाय वाला व्यवस्था नाश्ता कर जाएगा उधर, लेट नहीं होगा। अच्छा ठीक है, हाँ जब फ्यूजन ऑफ बॉन्ड असमान रूप से होता है, असमान रूप से होता है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। जैसे ए और बी के बीच में अभी हुआ था होमोलाइटिक फ्यूजन, यही ए और बी के बीच में यदि होंगे हेट्रोलाइटिक फ्यूजन क्या होते हैं, ये बंदा एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, त्याग कर देगा, तो इस पर एगो प्लस चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास इसको दे दिया दो हो गया, एगो लिया एक का माइनस चार्ज। इस टाइप के जब होंगे ना असमान रूप से बॉन्ड टूटा ना, असमान रूप से बॉन्ड ऐसे ब्रेक करते हैं, मतलब इसके तरफ एगो चला के जो कि नहीं होना चाहिए, तो इसी को बोलेंगे हेट्रोलाइटिक फ्यूजन बोलेंगे। और इसके कुछ टाइप्स के एग्जाम्पल देखो, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन के यहाँ भी ए बी करके दिखाया गया है, दोनों कुछ भी हो सकती है, यानी कि ए भी दे सकता है बी को, अभी भी दे सकता है ए को। तो ये इसको दिया, ये दिया इस पर प्लस, ए लिया जिस पर माइनस, ये इसको दिया इस पर प्लस, ये लिया थी माइनस, यानी कुछ भी हो सकती है, इसे क्या कहते हो हेट्रोलाइटिक फ्यूजन कहते हो। नहीं तो ये हुआ फ्यूजन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का ब्रेक होना, जब बॉन्ड बनते हैं और जब ब्रेक करेंगे और फिर बनेंगे। देखो केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन में जब दो पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बनते हैं तो पहले कुछ सब्सटेंस है उसका बॉन्ड बनल है, वो बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे। पहले बॉन्ड बने थे, अब बॉन्ड टूटेंगे और टूट करके नया बॉन्ड बनेंगे, कुछ नया कंपाउंड्स। वहाँ पर तो फ्यूजन ऑफ बॉन्ड का ही कंसेप्ट यूज होती है। नहीं ये बात हो गई, जैसे इसको दिखाया गया मान लो, और एग्जांपल ऐसे करके CH3CO दिखाया गया है, सेम चीज यहाँ दिखाया गया, मतलब हेट्रोलाइटिक फ्यूजन इसका होगा, वही हुआ है। ये कार्बन पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसको दे दिया, अच्छा किसके पास चला गया, क्लोरीन के पास। ये असमान रूप से हो रही है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, हेट्रोलाइटिक। अब आती है कि अच्छा फ्री रेडिकल्स का तो भेजे थे थोड़ा सा में, हालांकि श्रोता भगवान, हाँ यहाँ देखो एक चीज यहाँ बताए थे, दो चीज बता दिए हैं। तो अब तुमको पता होगा इस पर प्लस चार्ज हो गया तो क्या कहेगा इलेक्ट्रॉन, क्या क्या है ना, इसको कैटायन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कैटायन मतलब धनायन, ये धनायन हो गया, ये क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन लिया है ये हो गया एनायन, ये NiO जिसे कहते हो ऋणायन, ठीक है ना। अच्छा ये बात हो गई, अब पढ़ेंगे फ्री रेडिकल्स। यहाँ पर देखे हो होमोलाइटिक फ्यूजन में, सॉरी हाँ होमोलाइटिक फ्यूजन है ना, अच्छा होमोलाइटिक फ्यूजन में फ्यूजन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले परमाणु या समूह, परमाणु या समूह को फ्री रेडिकल्स कहते हैं। यहाँ पर हो रहा है होमोलाइटिक फ्यूजन, आए यहाँ पर कैसा हो रहा है, जब होमोलाइटिक फ्यूजन होती है तो परमाणु या उसका समूह मिला है ना, तो इसको क्या बोलेगा, कुछ नाम देगा ना, इसको नाम दे देते हैं, इसको पुकारेंगे तू फ्री रेडिकल्स है, क्या हो तू, इसको क्या पुकारेगा, फ्री रेडिकल, समझ में आ गया ना, फ्री रेडिकल। ये भी क्या हो जाएंगे, फ्री जगह मार के लिखे तिर तू भी स्टार मार कभी मैसे कहना सर के हम भी कैसे करेंगे, ऐसा नहीं करना है। होमोलाइटिक फ्यूजन के फलस्वरूप सम विखंडन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले परमाणु या परमाणु के समूह को ही क्या कहते हो, फ्री रेडिकल्स बोलेंगे। ये जो ए बिंदा बना तो क्या नाम बोलेंगे, फ्री रेडिकल्स बने हैं, नाम दे दिया कुछ, रमुआ सेमुआ नाम होता है ना, मोहना सोहना, आदमी जब जन्म के नाम देते हो, ये बना तो नाम दे दिया फ्री रेडिकल्स। अब समझ में आ गया ना, अच्छी बात है, यहाँ को इसी प्रकार दिखाया गया, कुछ भी नहीं है।
अब एक बात आती है कि कार्बो कैटायन क्या होती है। कार्बन परमाणुओं का वह समूह जिस पर पॉजिटिव चार्ज होती है उसे कार्बो कैटायन होती है कहते हैं। कार्बन परमाणु का वह समूह जिस पर कौन चार्ज रहेगा उसे क्या बोलोगे, कार्बो कैटायन। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर एल्काइल ग्रुप जैसे जुड़े हुए हैं, मान लो इस प्रकार से कुछ भी होंगे, आर का जगह कुछ भी हो सकते हैं, जो लेगा सेम जो मन तो तू ले लेना वो बात। अच्छा, ये यदि इलेक्ट्रॉन त्याग किए हैं तो इस पर प्लस चार्ज होंगे, तो कार्बन परमाणु का वह समूह जिस पर कौन चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, इसका इसको क्या बोलोगे, सी ए आर कार्बो कैटायन। कार्बो कार क्या लिखा है, कार्बन धनायन, यही लिखा है कि कार्बा धनायन लिखा है, कार्बो कैटायन धनायन लिखा है, कार्बो धनायन लिखा है। छोड़ो हिंदी वाला लिखना, वो नो है कि तो है, कार्बो कैटायन बात रखो खत्म है। जिस पर क्या होंगे, निगेटिव होंगे, यही आर के जगह पर सी यहाँ पर होंगे। यदि यहाँ पर अब बस यहीं तक आज पढ़ाएंगे, तुम लोग को जाना जल्दी है ना, इसी कारण से समाज लोग को जाना है, थोड़ा सा सहयोग करो। सहयोग कार्बो एनायन एक सर जाएगा दिल्ली खाएगा क्या हुआ अच्छा सट जाएगा ओहो दिल्ली नहीं खा पाएगा। अच्छा चलो छोड़ देते हैं, इसका नाम क्या हो गया, कार्बो एनायन, बोले ना इसमें होता ही है, तो ये समझ में आ गया होगा कार्बो के ट्रांजिशन।